हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूं आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किस तरह से आप अपने बालों में से सफेद बालों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। फ्रेंड, लंबे बाल हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन क्या लंबे बालों में अगर सफेद बाल आ जाए तो वो बहुत ही बुरे लगने लगते हैं। सफेद बाल हमारी पर्सनैलिटी को खराब करते हैं। तो ये सफेद बाल हमारे बालों में होना, उसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि हम अपने बालों में कई तरह के केमिकल से भरे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक कारण और हो सकता है, हम बचपन में कुछ ऐसी दवाइयां खा लेते हैं जिससे हमारे बाल आगे चल के सफेद हो जाते हैं। किसी तरह की भी अपने बालों को काला करने की दवाइयां खाएं पर उसका कोई असर नहीं होता है। तो एक आसान नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बालों को हमेशा हमेशा के लिए काला कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ 4-5 आलू की जरूरत होगी और आलू में जो छिलका होता है आपको उसकी जरूरत होगी, आलू की नहीं। तो फ्रेंड, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आलू का छिलका भी किसी चीज में काम आ सकता है? जी हाँ, आलू का छिलका भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा काम आता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आलू के छिलके से पेस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, किस तरह से आप अपने बालों को हमेशा हमेशा के लिए काला घना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन आलू को छीलना है। आपको छिलका थोड़ा मोटा लेना है इस तरह से। इसमें हमें ये चीज हमारी काम की नहीं है, हमारे इसमें आलू के छिलके हमारे इसमें काम के हैं। तो आप इसकी सब्जी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। आपको अपने बालों के लिए कम से कम 5-4 आलू लेने हैं। 5-4 आलू को आपको छीलना है। तो फ्रेंड, अब आपको क्या करना है कि आपने जो ये आलू छीले हैं इनको आपको 15 से 20 मिनट तक आपको इन्हें उबालना है हल्की आंच पर। तो फ्रेंड देखिए, आप ये आलू को हमने उबाल लिया है, ये किस तरह से हो चुके हैं ये देखिए। अब हमें इसको ग्राइंडर करना है मिक्सी के अंदर, तब इसका पेस्ट बन जाएगा। ये आलू को मैंने ग्राइंडर किया तो ये इस तरह का हो गया है। अब आपको इसे किस तरह से लगाना है वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको अपने बालों को धोना है। धोने के बाद आप अपने बालों को गीला रहने दें। उसके बाद इस पेस्ट को आपको अपने बालों में उस स्थान पर लगाना है जहां पर आपके बाल सफेद हो रहे हों। 2 मिनटों के बाद आपको इसे लगा रहने देना है। उसके बाद आपको अपने सर को हल्के गुनगुने पानी से धो लेना है। अगर आप इस उपाय को अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल जल्दी ही सफेद से काले हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और सबसे ज्यादा आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सफेद बालों की समस्या से आज हर इंसान गुजर रहा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।